हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और अभी मैं चला रहा हूँ मर्सिडीज बेंज की नई जीएलसी फेसलिफ्ट। अब इस गाड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है कि द जीएलसी कम्स विद न्यू BS6 कंप्लायंट इंजन्स। पेट्रोल और डीजल दोनों ही मोटर्स अभी BS6 कंप्लायंट हो चुके हैं। जो वेरियंट में अभी चला रहा हूँ, दिस इज द मर्सिडीज बेंज GLC 220D 4MATIC। और ये गाड़ी जो है आपको एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ही मिलती है, बिकॉज नन ऑफ द अदर लग्जरी कार्स हियर इन इंडिया कम विद अ मैनुअल गियरबॉक्स। अब ये जो मोटर है द मर्सिडीज बेंज GLC नाउ कम्स विद अ न्यू 2 लीटर इंजन। तो पहले जो 2.1 लीटर का मोटर था वो अब रिप्लेस हुआ है विद दिस न्यू 4 सिलेंडर मोटर। और ये प्रोड्यूस करता है 194 HP की पावर और 400 Nm का टॉर्क। कंपनी क्लेम कर रहा है कि ये गाड़ी जो है 0 to 100 का स्प्रिंट अचीव कर सकती है इन 7.9 seconds। पेट्रोल वेरिएंट आज चलाने के लिए अवेलेबल नहीं था, बट दैट मोटर इज ऑल्सो 2 लीटर यूनिट 4 सिलेंडर ब्लॉक विच प्रोड्यूस 197 HP 320 Nm एंड इट कैन एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 100 इन 7.8 seconds। अब इस डीजल वेरिएंट के माइलेज की अगर बात करें तो 5.2 to 5.5 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स का माइलेज आपको मिल जाएगा। सो यू कैन डू द मैथ एंड देन कैलकुलेट व्हाट काइंड ऑफ अ फ्यूल एफिशिएंसी यू कैन एक्सपेक्ट। अगर रियलिस्टिकली बात करूं तो जब आप हाईवे टूरिंग के लिए इस गाड़ी के साथ निकलोगे, आई एम श्योर दैट इट इज गोइंग टू डिलीवर यू क्लोज टू 18 to 20 kmpl ऑफ माइलेज आउट ऑन द ओपन हाईवेज। और जब आप इसे सिटी में चलाते हो, आई एम वेरी श्योर 12 to 13 kmpl का माइलेज आपको इस गाड़ी से जरूर मिल जाएगा। ये जो नई मर्सिडीज बेंज GLC है, इसके साथ भी आपको ये डायनामिक सिलेक्ट बटन मिलता है हियर ऑन द सेंटर कंसोल एरिया। दिस इज गोइंग टू ऑफर यू 4 driving modes, इंडिविजुअल, स्पोर्ट, कंफर्ट एंड इको। राइट नाउ आई एम ड्राइविंग इट इन इको मोड। अभी इस BS6 इंजन के साथ विद दिस ऑल न्यू इंजन गाड़ी की कैबिन जो है वो काफी रिफाइंड हो चुकी है। तो डीजल इंजन का नॉइज अंदर आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। देयर इज नो क्लैटर एट ऑल व्हेन यू आर ड्राइविंग इन अ नाइस एंड सेडेट मैनर। काफी सारे लोग लग्जरी कार्स खरीदते हैं टू बी शॉफर ड्रिवन इन, एंड इन दैट केस द ड्राइवर ऑब्वियसली इज नॉट ड्राइविंग ऑल गन्स ब्लेजिंग फुल पेडल टू द मेटल। एंड इन दैट सिनेरियो बैक सीट में भी आपको इंजन नॉइज बहुत कम सुनाई देता है। तो हमने जो इसका बैक सीट कंफर्ट का वीडियो अपलोड किया है, डू चेक दैट आउट, यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ द कंफर्ट दैट यू गेट बीइंग ड्रिवन अराउंड इन दिस GLC। Coming back to the NVH department, very less wind noise. Wind noise obviously triple digit speeds में ही आपको हल्का फुल्का सुनाई देगा। Road noise जो है at low speeds काफी कम सुनाई देता है अंदर। This car runs on 19-inch wheels, 235 patch tires, but still it is very very quiet inside the cabin, very very silent. It will actually not feel like a diesel until and unless you are crossing over 100 kilometers per hour of a speed, because this motor feels very smooth. अब अगर power delivery की बात करें तो ये जो गाड़ी है द मर्सिडीज बेंज GLC, इट इज वेरी लिनियर। इफ यू हैव अ फेदर लाइट फुट, इट इज गोइंग टू पुल ऑन एफर्टलेसली, आपको वो सर्ज फील नहीं होगा। बट देन इवन इन इको मोड इफ यू गिव इट अ नाइस किक डाउन, जस्ट नोटिस दिस राइट नाउ, इट विल टेक अ स्लाइट स्प्लिट सेकंड टू यू नो अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू गो फास्ट। तो फॉर टाइम्स व्हेन यू वांट टू ओवरटेक, आप इको मोड में भी ये सडन बर्स्ट ऑफ पावर जो है अचीव कर सकते हो। When you press the accelerator pedal, you will notice there is a small click. You have to press the pedal beyond that and the car will recognize ki aapko aur power ki zarurat hai instantly. But it will not happen instantly in eco mode because it will take some time to understand your throttle input. Iske alawa aapke paas obviously comfort, sport aur individual settings hain. In individual, you can set up how the steering wheel should feel, how the car should respond to your accelerator input, all of that. एंड स्पोर्ट मोड ऑफ कोर्स इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसमें ज्यादा बात करने जैसा कुछ है नहीं। राइड क्वालिटी की अगर बात करें तो ये गाड़ी जब 19 इंच के रिम्स पे चल रही है, काफी लोगों को लगेगा दैट इट माइट बी बोन जारिंग, बिकॉज दिस इज अ जर्मन SUV, यू माइट थिंक दैट द सस्पेंशन इज ऑन द स्टिफर साइड, व्हिच इज ट्रू। ये जो नई GLC है, इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफन अप किया गया है, बट स्टिल द राइड क्वालिटी इज वेरी नाइस एंड फ्लैट ऑन द हाईवेज। आप काफी कॉन्फिडेंटली इस गाड़ी को तेज चला पाओगे, इट विल मैनेज इट्स लाइन वेरी नाइसली। ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस इज अ टॉल SUV, तो अगर आप कॉर्नर में ज्यादा फास्ट टिप इन कर दोगे इस गाड़ी को, इट माइट शो यू सम अमाउंट ऑफ बॉडी रोल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट ड्राइव्स वेरी कॉन्फिडेंटली एंड कंफर्टेबली। स्लो स्पीड्स पे, स्पीड ब्रेकर्स पे से भी जो इसका मूवमेंट है, इट इज वेरी कंफर्टेबल। आपको बैक सीट में भी ज्यादा थर्ड्स फील नहीं होंगे।
But if you approach speed breakers at a higher speed and if you exit speed breakers at a higher speed, you are going to notice that thud. And if you are driving over bad roads, agar aap khaddon pe se zyada zor se chalaoge, to aapko thuds andar body pe bhi mehsoos honge. And you will also hear the suspension components doing a hard job when you are not cautious. अब इस Mercedes-Benz की GLC के साथ आपको एक 9 speed automatic gearbox मिलता है. The gear selector is over here, the right hand side control stalk, typical of all Mercedes-Benz cars. इसके साथ आपको pedal shift भी मिलता है. So if you want to take manual control over the engine and gearbox, you can do that to get much better acceleration or much better engine braking. That is up to you and the driving conditions which may allow for that. It works very well. काफी seamless है, काफी fast है to upshift and downshift depending on your requirements and inputs. And that also is obviously going to keep you happy. In terms of triple digit speeds, this is a German SUV. You can do well over 200 kilometers per hour if and when time and road permits. But I do not recommend that, and I am not someone who endorses high speed driving. But then at times when you get a highway stretch, you can press the accelerator pedal and drive fast. And this car, this Mercedes-Benz GLC, will be very, very rewarding. Of course, power delivery abhi linear ho chuki hai, toh aapko, compared to the older variant, you might not feel it to be too punchy, but it has more power. It has more than 20 horses increased compared to the old BS4 engine, and that will not relate in an exciting drive, but it will surely prove to be faster. Steering input is also typical of German cars. Nice, light, direct, weighs up very well on high speeds as well. So, iski wajah se bhi aapko acha confidence milega when you are driving it out on the highways or on the winding roads in and around your city. And then, braking performance though is not that great. Pedal feel jo hai, pedal pe jo travel hai, wo bahut kam hai. And when you are driving it in city conditions and suddenly when you want to brake really hard. So, I'm not really happy in the braking department with this GLC. I really wish the pedal modulation could have been a little better to make the driver feel more comfortable, ताकि जब आप brakes use करो, आपके जो right foot है, उसपे ज़्यादा आपको comfort मिल सके, तो आपको उस range of motion की वजह से, pedal modulation की वजह से, braking का ज़्यादा better अंदाज़ा आ सके. But that is my personal opinion. आप हमें comments में ज़रूर बताना, अगर आपने इस गाड़ी की test drive ली है, what do you think about the braking department? Because I was not happy with that. But if you are, your opinion also matters. Overall, in the visibility department, I am seated at the lowest seat height. I still have the bonnet in my view and I have absolutely no problems driving around in this SUV. Is gaadi mein aapko all around cameras to nahi milte hain. You do not get 360 degree cameras, but you have parking sensors at the front and back. So jab aap city speeds pe bumper to bumper traffic mein gaadi chala rahe ho, that is going to assist you to maintain safe distance and not get this vehicle scratched. Is gaadi mein in the new GLC, for additional safety, aapko braking assistance mil jata hai. तो अगर आपके सामने कोई गाड़ी है and if that brakes a little faster than you do or if you approach that car which has slowed down a little hot, this car in the MID is going to pop up a small warning that you have to slow down. It is not going to brake as fast as the other Mercedes-Benz cars do, but if it does detect a risk, it will take things in its own control. So that's about it in this Mercedes-Benz GLC. ये एक facelift model है, but overall with this BS6 engine, it might feel a lot new to you. Yes, it is refined. Yes, it is comfortable even with 19-inch wheels, and everything else is typical of a Mercedes-Benz. तो आपको क्या लगता है ये आप हमें comments में बताइए. Compared to competition, which includes the Audi Q5, the Volvo XC60, and the BMW X3, क्या आप इस गाड़ी को consider करोगे? Is Mercedes-Benz the choice for you? ये गाड़ी जो है, ये GLC जो है, 7000 से ज्यादा यूनिट्स Mercedes-Benz इंडिया में बेच चुका है, which shows that this car is quite popular in the 5-seater SUV space in the luxury market. Goodbye, drive safe, always wear your seat belts and do not overspeed. And of course, the speed buzzer warning is not going to allow you to do that with the annoying beep that will come up over 80 km per hour.